हेलो एवरीवन। तो आज सबको घर पे आलू पेटीज खाने का बहुत मन कर रहा था और मुझे तो खासकर ये बहुत पसंद है और इसे बनाना बहुत आसान है। आप लोग अपने घर में मिनटों में बनाकर रेडी कर सकते हैं। तो चलिए इस रेसिपी को हम बनाते हैं। लेकिन हाँ, अगर चैनल पे आप लोग नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को साथ ही साथ लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों और फैमिली में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो चलिए इस रेसिपी को हम शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमने लिया है एक आलू, जिसे हमें बहुत ही अच्छी तरह छील लिया है और इसे हम क्या करेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। और इसे हमने छोटे छोटे टुकड़ों में बहुत ही अच्छी तरह कट कर लेना है, देखिए ऐसे। और एक आलू से हम बहुत सारा पेटीज बनाने वाले हैं, तो हम अपने आलू को बहुत अच्छी तरह वॉश कर लेंगे। तो लीजिए, हम अपने आलू को बहुत ही अच्छी तरह वॉश कर लिया है। अब चलते हैं अपने गैस की तरफ। और गैस पे हम अपने पैन को रख दिए हैं और इसी में हम डाल दे रहे हैं एक गिलास पानी। इससे हमारा आलू बहुत ही अच्छी तरह बॉइल्ड हो जाएगा। और अगर आपको आलू बहुत जल्द कुक करना है तो इसमें थोड़ा सा नमक डाल दीजिए और इसे हम ढक्कन लगा देंगे। और ढक्कन लगाकर लगभग जब तक हमारा आलू सॉफ्ट नहीं हो जाता है तब तक हम इसे कुक कर लेंगे। और ये लगभग 3 से 4 मिनट से कुक हो रहा है। तो हमारा आलू, ये देखिए, नाइफ जो एकदम आलू के अंदर चला जा रहा है। तो ये हमारा आलू हो चुका है सॉफ्ट। तो हम इसे गैस के फ्लेम को बंद कर दे रहे हैं और नीचे उतार ले रहे हैं। और इसे हम एक बर्तन में ट्रांसफर कर लेंगे और अच्छी तरह इसे मैश कर लेंगे। और देखिए, ये मैश हो चुका है। हमें रफली मैश नहीं करना है, थोड़ा सा चंक्स रहने चाहिए, इससे आलू का पेटीज जो है वो अच्छा लगता है। तो अब इतना ही पे हम इसे रहने देते हैं और चलते हैं अपनी गैस की तरफ। इधर गैस में हमारा पैन गर्म हो चुका है तो हम थोड़ा सा इसमें कुकिंग ऑयल डाल देंगे। और हमारा कुकिंग ऑयल गर्म हो चुका है तो हम यहीं पे 2 कटा हुआ हरी मिर्च डाल रहे हैं, 1 कटा हुआ प्याज, और इन सबको अच्छी तरह हम सौते कर लेंगे। और यहीं पे हम डाल दे रहे हैं 1/2 टीस्पून साबुत जीरा। और हम यहाँ ले रहे हैं लहसुन के कुछ पत्ते, जिसे हमने चॉप कर लिया है। आप चाहें तो आप इसमें लहसुन और अदरक का कुटा हुआ या चॉप किया हुआ भी डाल सकते हैं, लेकिन हमें लहसुन का पत्ता, सर्दियों के मौसम है तो लहसुन के पत्ते मिल जाते हैं, तो इससे भी बहुत अच्छी खुशबू और बहुत अच्छा स्वाद आ जाता है। और इसे हम थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। और यहीं पे हम डाल रहे हैं 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर और एकदम चुटकी भर ब्लैक पेपर पाउडर। इसमें डाल रहे हैं भुना हुआ जीरा, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, और इन सबको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ध्यान रखें कि गैस के फ्लेम को एकदम मीडियम रखें, नहीं तो आपका मसाला जल सकता है। और हम यहीं ले रहे हैं थोड़ा सा मटर, यहाँ पे हम डाल दे रहे हैं। आपके पास अगर मटर ना हो तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन मटर से बहुत अच्छा लगता है। और इसे हम थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। इसके बाद जो आलू को हम मैश करके रखे हुए थे उसे डाल दे रहे हैं और इसे अच्छी तरह हम मिक्स करेंगे। साथ ही साथ डाल दे रहे हैं यहाँ पे स्वाद अनुसार नमक। नमक डालने के बाद इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेना है और ऊपर से हम डाल देंगे धनिया पत्ता और डालकर इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। और लीजिए, हमारे आलू पेटीज के लिए हमारा आलू का मसाला रेडी हो गया है। तो अब गैस के फ्लेम को हम बंद कर दे रहे हैं और इधर ले लेंगे हम एक बर्तन, और बर्तन में ले रहे हैं 1 कप मैदा, और मैदे में हम डाल देंगे 2 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल, और इसे हम क्या करेंगे, मिक्स करते हुए मैन दे लेंगे। आलू पेटीज बनाने के लिए आलू का मसाला बनाना बहुत ही आसान है, लेकिन ये आटा जो है इसी का डो बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो इसे हमें मोइन देना है और बहुत ही अच्छी तरह मिक्स करना है। और देखिए, हमने मैन दिया है तो कितना अच्छा हमारा मैदा हो गया है, ये मुट्ठी बांधने से ऐसा हो जा रहा है, तो ऐसा ही हमें चाहिए। और इसे हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक डो बना लेंगे। हमें इसका डो ना हार्ड लगाना है और ना ही नरम, एकदम जैसे चपाती का डो बनता है वैसा ही डो लगाना है। और इसे हम क्या करेंगे कि ढक्कन लगाकर कुछ देर के लिए रख देते हैं ताकि हमारा आटा सेट हो जाए। और इधर हम एक बॉल ले रहे हैं और बॉल में हम डाल दे रहे हैं 2 टेबलस्पून मैदा, और मैदे में हम डाल देंगे थोड़ा सा ऑयल और इसे मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करते हुए इसका एक घोल बना लेंगे। और इधर हमारा आटा लगभग 5 से 7 मिनट हो चुके हैं, तो ये भी बहुत अच्छी तरह सेट हो चुका है। तो इसे फिर से थोड़े से हम पंच मार लेंगे और मारने के बाद इसे छोटे छोटे बॉल्स में कट कर लेंगे। इधर हमारे लगभग 6 बॉल्स हुए हैं, तो इसे हम बहुत ही अच्छा स्मूथ एक डो बना लेते हैं। तो देखिए, हम अपने सारे बॉल्स को रेडी कर लिए हैं। तो अब हम क्या करते हैं, साफ सुथरे टाइस पे थोड़े से सूखा आटा डालेंगे और डालने के बाद इसे अच्छी तरह हम एक चपाती जैसा बेल लेंगे। हमें एकदम पतला पतला रोटी बेल लेना है, एकदम देखिए ऐसा रोटी हमें बेल लेना है। और इसी तरह हम अपने सारे रोटी को पहले बेल लेंगे। तो देखिए, हम अपने सारे ऐसे ही चपाती को बेल लिए हैं, और बेलने के बाद इसे हम साइड में रख देंगे और एक चपाती को हम ऐसे बीच में लेंगे
और लेने के बाद जो हमने इधर सलड़ी बना कर रखा हुआ था मैदे का और तेल का, इसे हम ऊपर से बहुत ही अच्छी तरह ब्रश कर लेंगे। आलू पेटिस बनाना बहुत ही आसान है, घर में आप मिनटों में बनाकर और बच्चों को और बड़ों को सबको दे सकते हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी और बहुत क्रिस्पी लगता है। और इस पे हम अपना दूसरा रोटी लगा लेंगे और इसे भी ऐसे ही ग्रीस कर लेंगे। देखिए ऐसे ही लगाते हुए हम अपने ब्रश से ऑयल को और हम अपने सारे रोटी को एक दूसरे पे रख दिए हैं। और रखने के बाद इसे हम क्या करेंगे कि अच्छी तरह फिर से इसे बेलन की मदद से बेल लेंगे। और देखिए इसे टाइस पर रखकर हमने बहुत ही पतला इसे बेल लिया है। और बेलने के बाद इसे हम क्या करेंगे, साइड साइड से ऐसे कट कर देंगे। कट करने से क्या होगा कि इसका बहुत ही अच्छा एक शेप निकल कर आ जाएगा। और इस साइड से भी इसे कट कर लेंगे। और कट करने के बाद हमें ऐसे साइज में कट करना है, चरकोन साइज में इसे कट कर लेना है। ये देखिए, और देखिए हमने ऐसे ऐसे चरकोन साइज में इसे 6 पीस में कट किया है। और कट करने के बाद ऐसे हम साइड में रख दे रहे हैं। और रखने के बाद इसे भी हम थोड़ा बेल लेंगे ताकि ये अपने शेप में हो जाए। और इसे मैंने थोड़ा सा बेल लिया है। और बेलने के बाद इस पे हम अपने आलू की स्टफिंग को इस पे रखेंगे। और ऐसे रखने के बाद इसे अच्छी तरह मोड़ लेंगे। और मोड़ने के बाद हम क्या करेंगे, फॉर्क की मदद से इसे इसके मुंह को ऐसे थोड़े थोड़े सील कर देंगे। इसे देखने में भी इसका बहुत ही अच्छा लुक आ जाएगा और फ्राई करते वक्त ये खुलेगा नहीं। तो लीजिए हमारी आलू पेटिस एक तो रेडी हो गई है, तो ऐसे ही हम अपना सारा बना ले रहे हैं। तो लीजिए हमारी आलू पेटिस एकदम रेडी हो गई है, तो चलिए इसे हम अब फ्राई कर लेते हैं। और इधर हमने गैस पे तेल गरम करने के लिए रखा हुआ है। जो कि हमारा तेल गरम हो चुका है, तो हम यहीं पे अपना एक एक आलू पेटिस को डाल दे रहे हैं। और गैस के फ्लेम को मीडियम रखते हुए इसे अलटते पलटते हमें फ्राई करना है जब तक कि ये गोल्डन नहीं हो जाता है। तो देखिए हमारी आलू पेटी एकदम क्रिस्पी और करारी एकदम फ्राई हो चुकी है, तो इसे हम अब निकाल ले रहे हैं। और इसी तरह हम अपना दूसरा भी फ्राई कर लेते हैं। तो लीजिए हमारी आलू पेटी से एकदम फ्राई हो गई है, एकदम खस्ता और करारी और क्रिस्पी हुई है, और ये खाने में बहुत ही मजेदार होता है। तो चलिए आपको हम सर्व करके दिखाते हैं। तो लीजिए हमारी आलू पेटिस बनकर एकदम रेडी हो गई है और ये एकदम क्रिस्पी और करारी हुई है। और ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी और बहुत यमी लगता है। इसे आप चटनी के साथ, म्यूनिस के साथ खाइए, खाने में बहुत ही टेस्टी और बहुत यमी लगता है। तो चलिए आप लोग भी अपने घरों में जरूर ट्राई कीजिए। और हाँ, अगर हमारी रेसिपी पसंद आती है तो हमेशा की तरह लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों और फैमिली में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो आप लोग भी अपने घरों में जरूर ट्राई कीजिए।